ये है आपका ऑनलाइन आधार कार्ड और ये है आपका ऑफलाइन आधार कार्ड। ऑनलाइन आधार कार्ड तो आप डाउनलोड करना जानते ही हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ऑफलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड करना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से ऑफलाइन आधार डाटा जनरेट कर पाए। आप जब अपने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप अपने आयरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट के डाटा को छोड़कर लगभग सारे डाटा आप शेयर कर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन आधार की मदद से आप जो चाहे वही चीज शेयर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स में 22। तो आपको अपना ऑफलाइन आधार डाटा जनरेट करने के लिए आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए गूगल पर टाइप करते हैं UIDAI। यह काम आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा भी कर पाएंगे। उसके बाद आप जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं UIDAI.gov.in, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आधार सर्विसेज के टैब के नीचे में देख सकते हैं ऑफलाइन आधार डाटा वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करना है, या नहीं तो आप 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी भी इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को इंटर करना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आप एम आधार ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप OTP के जगह TOTP इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ और मेरे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आ चुका है, चलिए इंटर कर लेते हैं। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन आधार डाटा जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर करना होगा जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद आपके एड्रेस का पिन कोड, फिर इस सिक्योरिटी कोड को इंटर करते हुए वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप अपना ऑफलाइन आधार डाटा जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आप कौन कौन से फील्ड यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आप इनमें से जिस चीज़ को दिखाना चाहते हैं अपने ऑफलाइन आधार डाटा में आप उस बॉक्स में टिक करेंगे तो आपका वही डाटा ऑफलाइन आधार डाटा में शो होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा इस ऑफलाइन आधार डाटा के लिए, ताकि कोई भी इस फाइल को अगर ओपन करे तो सबसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा जो आप सेट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शेयर कोड बना लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आपको किस प्रकार का पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें और सेव करके रख लें अपने किसी फोल्डर में। आप यह काम अपने मोबाइल फोन के द्वारा भी कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी ऑफलाइन आधार डाटा डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि ये जिप फोल्डर है। उसके बाद ओपन करते वक्त आपने जो पासवर्ड सेट किया था जो कि शेयर कोड था, वही चीज़ यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड शो होगा। और अब आप इस फाइल को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका आधार कार्ड भी सुरक्षित रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।